थोड़ा उठ जाए, थोड़ा नहीं छोड़ दो। और जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले उसने अनाउंसमेंट की है पायलट ने कि जी मैं लैंडिंग करने लगा हूँ। उसके बाद उसने 3 दफ़ा हिट किया है ज़मीन के ऊपर लैंडिंग करते वक्त, हिट करके जहाज़ ऊपर आया है। 4थी दफ़ा जो है वो उसने रनवे पे उतारा है, रनवे पे थोड़ा सा मूव किया है। किसी वजह से वो नहीं रुका या क्या हुआ है, लेकिन पायलट ने बड़ी होशियारी से उसको दोबारा उड़ान भरी है। दोबारा लैंड करने लगा हूँ तो हमने विंडो से देखा है तो मलीर कैंट का एरिया लग रहा था, तो उसने मलीर कैंट के एरिए में जो है वो लैंड करवाने की बहुत कोशिश की। वो सडनली किसी वजह से जो है वो क्रैश हो गया। हिट करने के बाद जब मैंने देखा है तो स्मोक वगैरह थी, आग वगैरह थी, सारी चीज़ें थी, लोगों का शोर पुकार थी। तो मैंने अपना सीट बेल्ट खोला है, मैंने इधर उधर देखा है तो एक जगह से रोशनी अंदर आती हुई दिखाई दे रही थी, तो मैं उसको फॉलो करता हुआ बाहर निकला हूँ, विंग के ऊपर चलता हुआ, और 10 फीट की हाइट से जो है मैंने जंप लगा के बाहर गया हूँ। फिर वहाँ से लोगों ने मुझे जिन्ना हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। जिन्ना हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बाद मेरा थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, उन्होंने सिविल रेफ़र कर दिया। सिविल हॉस्पिटल में रहा हूँ मैं कल से आज तक, और अभी माशाल्लाह मैं घर आ गया हूँ। जी बहुत अच्छा लग रहा है, घर वालों के साथ रह के हर चीज़ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब एक नई ज़िंदगी मिली है, और दुआएं थी सबकी, माँ बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की, सबकी, कोलीग्स फ्रेंड्स सबकी दुआएं थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इस बाबरकत महीने में मुझे नई ज़िंदगी मिली है। ऐसे ही जो लोग इस हादसे में जाँ बहक हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। सर घर वाले याद आ रहे थे, फैमिली याद आ रही थी, जितने रिलेटिव थे सारे याद आ रहे थे, और दोस्त वगैरह याद आ रहे थे सारे, मतलब सभी याद आ रहे थे। उस वक्त तो यही था कि बस एंड चल रहा है।